अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे व्यूअर्स, स्वीट एंड सेवी विद सुमैरा के, उम्मीद है आप तो सब खैरियत से होंगे। आप लोग क्यों मुझे इतना देखना चाहते हैं, क्या वजह है? रोज सुबह तो मुलाकात होती है, लेकिन बहरहाल आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को डिसअपॉइंट भी नहीं करती हूँ। मैंने सोचा आज मैं आपको कुछ डिफरेंट किस्म का पिज्जा सिखाऊँ। सुमैरा आजकल रेस्टोरेंट सीरीज कर रही है, तो आज हम आपको क्रीमी चिकन पिज्जा सिखाएंगे जो कि आजकल बहुत कराची में फेमस हुआ हुआ है। 14th Street पिज्जा में, कैलिफोर्नियन में, डोमिनोज में, मतलब इंसान वो पिज्जा बेस की सॉस, रेड सॉस खा खा के तंग आ गया है। तो ये कुछ डिफरेंट सी सॉस बनेगी एंड इट्स सो सिंपल, नो कुकिंग, जस्ट मिक्सिंग एवरीथिंग फॉर द सॉस एंड पुटिंग इट ऑन द डो। ठीक है, तो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट करते हैं। पहले हम डो का आटा गूंद लेते हैं। हम ले रहे हैं इसमें 2 कप मैदा। ठीक है, 1 कप व्हीट फ्लावर, 1 teaspoon सॉल्ट, हम डालेंगे इंस्टेंट यीस्ट 2 teaspoon, 1/4 teaspoon ऑरिगेनो या मिक्स हर्ब्स डाल दीजिए। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे शफक कुकिंग ऑयल जो कि बेहतरीन तेल है, लाइट इन कलर है, वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, लाइट है, खाना इजीली डाइजेस्ट होता है, आपको हैवी पन नहीं लगता है। अब देखें हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 cup शफक कुकिंग ऑयल और इसमें जाएगी शुगर। शुगर लाजमी होती है ईस्ट को राइस करने के लिए। ठीक है, तो शुगर लाजमी होती है और शुगर हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 tablespoon। ठीक है, पानी इसमें जाएगा, अभी मैं 1/2 cup डाल रही हूँ। पिज्जा का डो हमेशा नरम गूंथते हैं। जी जनाब, ये देखें ये हमारा डो है। और एक बात आज आप मेरी लिख लीजिए, पल्लू में बांध लीजिए, वो ये है जिस चीज में भी ईस्ट पड़ती है, मैं आगे आपको डिनर रोल्स भी सिखाऊंगी। ठीक है, जिस चीज में भी ईस्ट पड़ती है, चाहे वो डोनट्स हो, चाहे वो डिनर रोल्स हो, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो पिज्जा हो, आपका आटा शुड बी, द डो शुड बी सॉफ्ट। एक बात याद रख लें, बहुत से लोग कहते हैं हमारा पिज्जा तो हार्ड हो जाता है। जाहिर बात है, अगर आपका डो हार्ड होगा तो पिज्जा भी हार्ड होगा। थोड़ा सा हम हाथ को ग्रीस करेंगे, ये देखें, देखा आपने कितना सॉफ्ट है। इसको 4-5 दफा बैंग करना है। क्यों? ताकि आपके पिज्जा में इलास्टिसिटी आ जाए। अच्छा, मैं बना रही हूँ थिन एंड क्रिस्पी पिज्जा। अगर आपको डीप पैन पिज्जा बनाना है तो आप अपने प्याले को ग्रीस करेंगे और ये डो को आप रख देंगे, इस पे भी थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगाएंगे और इसको आप कवर करके छोड़ देंगे फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स, जब तक कि ये डबल हो जाए वॉल्यूम में। फिर आप उसको पिज्जा का शेप देंगे, फिलिंग डालेंगे और फिर राइस करने छोड़ देंगे 20 मिनट्स के लिए। तो आपका बनेगा चूई पिज्जा, डबल पिज्जा, डबल पैन पिज्जा। अब मैं बना रही हूँ थिन एंड क्रिस्पी पिज्जा, तो थिन एंड क्रिस्पी पिज्जा के लिए इसको मैंने गूंदा, गूंद के सिर्फ 5-10 मिनट के लिए रेस्ट देने के लिए प्याले में रख दिया तेल का हाथ लगा के, जब तक मैं इसकी सॉस बना रही हूँ और फिर मैं आपको फिल करके बताऊंगी। और ये पिज्जा बेक होगा, थिन एंड क्रिस्पी पिज्जा बेक होगा फॉर
20 से 25 मिनट, डीप पैन पिज्जा बेक होता है फिर 30 to 35 minutes. अब मैं आ रही हूँ इसकी सॉस पे, ठीक है, क्रीमी सॉस फॉर क्रीमी चिकन पिज्जा. इसके लिए हमें चाहिए मेयोनीज 2 tablespoons. I'm making this one pizza, thin and crispy one pizza of 10 to 11 inch. उसके लिए ये सॉस काफी है. क्रीम चीज 2 tablespoons. क्रीम टेट्रा पैक देख के डालिएगा, ऐसा ना हो कि आपकी चीज सॉस क्रीमी सॉस बहुत पतली हो जाए. इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गार्लिक पाउडर 1/2 teaspoon, थोड़ा सा ऑरिगैनो, नमक नहीं डाल रही हूँ बिकॉज क्रीम चीज और मेयोनीज में नमक होता है. ये हो गई हमारी पिज्जा की क्रीम सॉस. अब मैंने 10 मिनट के लिए इसको राइज होने रखा है. जी जनाब, हम अपने डो को हमने छोड़ा और ये देखें, ठीक है, हमने सिर्फ इसलिए छोड़ा इसको आधा घंटा कि आपको समझ आ जाए कि डबल किस तरह हो जाता है इन वॉल्यूम. तो ये डबल हो गया है. अब इसको हम दोबारा से पंच डाउन करेंगे. ठीक है, इसको हमने पंच डाउन किया. ये मेरे पास पिज्जा प्लेट है 12 से 14 इंच की. ये मैं बना रही हूँ थिन एंड क्रिस्पी पिज्जा, तो इसमें ये आराम से आ जाएगा. देखा आपने कितना सॉफ्ट डो है. इसको आपको एंड तक लेके आना है. और हमने अपने ट्रे को पैन को हल्का सा ग्रीस किया है. अच्छा, बहुत सारे जो हम पहले पिज्जा हट के थिन एंड क्रिस्पी पिज्जा बनाते थे उसको हम क्या करते थे, उसको हम कांटे से प्रेक करते थे और 5 to 10 minutes के लिए अवन में ब्लाइंड बेक करते थे. व्हाट इज ब्लाइंड बेकिंग, टिक करके खाली बेक करते थे. इसको मैं नहीं करूँगी, ठीक है, बिकॉज ये ऐसे ही होगा. पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना अच्छा है. अब जो हमने आपके सामने क्रीमी सॉस बनाई थी, आप सोचो ये कितने मजे का होगा. अवन को प्रीहीट कर लीजिए 200 degrees centigrade 350 Fahrenheit और नंबर 6. आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट एनी सॉस. चिकन आप इसकी जो जैसी मर्जी चाहिए आप बना लें. चिकन का सीना लीजिए, उसमें 2 tablespoons लेमन जूस, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट और चिकन टिक्का मसाला डाल के ग्रिल करके चॉप कर लीजिए. अच्छा, बेस में हम डालेंगे थोड़ा सा चेडर चीज़, ठीक है, फिर हम डालेंगे इसमें चिकन 1 cup, फिर हम इसमें डालेंगे चॉप्ड अनियंस 1/2 cup, 1/2 cup कैप्सिकम, ऑरिगैनो 1 teaspoon, मोज़रेला चीज 1 cup, चेडर चीज 1 cup. आपकी अपनी चॉइस है, आपकी मर्जी है, मशरूम्स डालना है डालें, कोई वो नहीं है. वहां पे ये ग्रीन चिलीज होती है.
अब हम डाल रहे हैं इसको अवन में 25 मिनट्स के लिए। पिज्जा रेडी हो चुका है, ये देखें, वाओ माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारा क्रीमी डिलाइट पिज्जा, और इसको हम काटेंगे। एक स्लाइस आपको काट के दिखा रही हूँ, ये देखें। होप आपको हमारा ये नया बिल्कुल ब्रांड न्यू क्रीमी चिकन डिलाइट पिज्जा अच्छा लगा होगा। जरूर ट्राई कीजिए, ये भी हमारी रेस्टोरेंट सीरीज की एक स्पेशलिटी है जो कि 14th स्ट्रीट पे आपको मिलता है, तो जरूर ट्राई कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।